हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज बाय स्मिता में। आज मैं बनाई हूं ब्रेड पिज्जा, तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस पिज्जा रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट्स ये है ब्रेड, ये है बैटर, ये है स्लाइस चीज, ये है क्यूब चीज, ये है कुछ वेजेस, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ये है सॉस, सिजवान चटनी, टोमेटो केचप, ये है ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स। तो चलिए इसे बनाते हैं अब। तो ब्रेड सबसे पहले, वैसे हम पूरे ही ब्रेड का मुझे पिज्जा बनाना है, तो सबसे पहले एक ट्रिप फर्स्ट राउंड बनाते हैं। सबसे पहले तवा पे थोड़ी सी बटर डाल देते हैं ताकि वो अपना पिघलता रहेगा। और ब्रेड कट करते वक्त, एक दो दिन का ब्रेड जैसे हम लाते हैं तो एक दो दिन का हो ही जाता है, कुछ तो दुकान पे रहता होगा, कुछ घर में हो जाता है, क्योंकि तुरंत बंद, जब मार्केट जाते हैं तो सारा सामान आ जाता है। तो नाइफ को गर्म करके, मोस्ट है नाइफ को गर्म करके जब ब्रेड को कटिंग करेंगे तो ब्रेड बिखरेगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से कट जाता है। तो अगर कभी जैसे होता है ना, कुछ दिन दो चार दिन का ब्रेड हो गया, तो इस तरह से नाइफ को गर्म करके कटिंग करने से ब्रेड बहुत अच्छी तरह से कटेगी, ट्राई कीजिएगा। तो अब तवा को गर्म हो गया है, गैस को हम बंद कर देंगे, पूरे गैस हमेशा जलता नहीं रहेगा, गैस बंद हो जाएगा। सबसे पहले तवा पे इसको हम एक साइड सेक लेंगे, गैस को बंद कर देंगे क्योंकि तवा गर्म हो गया है और ब्रेड बहुत ज़्यादा मोटा तो है भी होता नहीं है, तो इसलिए जब इसको हम अभी डेकोरेट कर लेंगे तब गैस को ऑन करेंगे फिर से। तो ये सिजवान चटनी और टोमेटो सॉस यानी टोमेटो केचप दोनों को मिला करके मिक्स करके जब हम मिक्स कर देंगे तो पिज्जा सॉस बन जाता है। तो इस तरह से भी पिज्जा सॉस का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि अगर पिज्जा सॉस नहीं है तो ये नहीं बनेगा, ये तब भी बन जाएगा, लेकिन ये दोनों होगा तो, और ये दोनों तो होता ही होता है घर में। अब इसको हम एक साइड सेक लिए हैं और पलट दिए हैं, दूसरी साइड हम इसको ग्रीस, इस पर टोमेटो केचप लगाएंगे, खूब अच्छी तरह से फैला देंगे। शिजवान चटनी बहुत तीखा होता है, तो दो भाग होना चाहिए टोमेटो केचप और एक भाग होना चाहिए शिजवान चटनी, और अपने अगर तीखा पसंद है तो कोई बात नहीं। अब इस पर स्लाइस वाला जो चीज था इसको हम फैलाएंगे। कई डिजाइन से बनाया है, दो तीन डिजाइन से बनाया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जो पसंद आएगा। टेस्ट सबका एक ही होगा, थोड़ा सा बनाने में अलग अलग, बनाने से देखने में लुकिंग होता है, एक खूबसूरती होती है अलग अलग तरीके की, और क्या। तो ये जो वेजेस हम काट के रखे हैं, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, इन सबको इस तरह से इस पर अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, हम ऐसे रख रहे हैं। अगर ऐसे आप लोगों को पसंद होगा तो ऐसे ही रख लीजिएगा। इस समय मेरा गैस बिल्कुल ऑफ है, बंद है, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो धीरे धीरे भी गर्म हो जाएगा तो ब्रेड जल जाएगा और ये सब कुछ एक साथ मिल्ट नहीं होगा। इसलिए जब ये सब कुछ डेकोरेट हम कर लेंगे, इस पर इसकी डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तब गैस को ऑन करेंगे, वो भी बिल्कुल धीमी रहेगी, बिल्कुल लो रहेगा फ्लेम, बिल्कुल लो रहेगा। इस पर सिजवान, ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, काला प्लेन नमक थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दिए हैं, ये है चीज, चीज को इस पे हम ग्रेट कर देंगे। और चीज अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज्यादा, कोई ये नहीं है कि इतना रहेगा तो ही, कम रहेगा तो भी थोड़ा सा टेस्ट आना चाहिए, ज्यादा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब ये इसको मिल्ट होने के लिए हम एक काम करेंगे, ये कटोरी में इसमें हम पानी भर के रख देंगे, इसका जब वाष्प उड़ेगा तो इसके वाष्प से ये सारा चीज जो है वो मिल्ट हो जाएगा, क्योंकि तवा पे बना रहे हैं ना, ओवन तो मेरे पास है नहीं और पिज्जा खाना था, तो इसी तरह से हम बना दिए, और टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा
ओवन वाला तो अलग ही बात है, पर इसमें ये भी इसकी भी टेस्ट बहुत अच्छी होगी। तो एक राउंड बन गया, अब हम सेकेंड राउंड बना लेते हैं। इस टाइम भी तवा तो गर्म है पर गैस ऑफ है। इस पर हम इस ब्रेड पे सिजवान चटनी और जो टोमेटो केचप मिला करके पिज्जा सॉस बनाया है उसको हम फैला देंगे। अब इस पर हम चीज का टुकड़ा टुकड़ा करके छोटे छोटे पीसेज में इसको हम फैलाएंगे। ये भी बहुत आसान तरीका है, इससे भी चीज जो है पूरी में पूरे ब्रेड में फैल जाएगा अच्छी तरह से। तो अगर मन है तो जिस तरह से फर्स्ट राउंड में किए उस तरह से फैला सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक अलग अलग तरीका है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनाने में थोड़ा अच्छा देखने में अच्छा लगेगा और बनाने में ईजी हो सकता है। इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा फैलाने में क्या होगा कि थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी के अनुसार अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि अपने कैसा पसंद है अपने आप को या बच्चों को कैसा पसंद है, घर में कैसा पसंद है। इसके ऊपर हम शिमला मिर्च को इसी तरह से फैला देंगे। और जैसे वेजेस कटिंग करते हैं तो उस वक्त कुछ छोटा पीसेज निकल जाता है ना, छोटे छोटे कट पीस निकल जाता है, तो उसको भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। उससे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और डेकोरेशन तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, इस पर अगर मन है तो बेबी कॉर्न, इस पे जो मक्के की दाना होती है उसको, स्वीट कॉर्न, उसे भी फैला सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो हम उसको स्किप कर दिए। अगर आप लोगों के पास भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता घर में, तो उसको भी स्किप कर सकते हैं, अगर है तो ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर से काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा छिड़क देंगे, और थोड़ा सा सादा नमक, प्लेन नमक जो डेली हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा सा चुटकी भर, चुटकी से भी कम, बहुत थोड़ा सा, और ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, काली मिर्च का पाउडर, प्लेन नमक, ऊपर से हल्का हल्का छिड़क देना है, बुरक देना है। और इसके बाद अब ये ग्रेट किया हुआ चीज हम ग्रेट करके पहले से रख सकते हैं। फर्स्ट टाइम में हम ऐसे ही उस पर ग्रेट कर दिए, लेकिन अगर कभी कभी जल्दीबाजी रहती है तो ग्रेट करके पहले से रख लीजिए, इस तरह से फटाफट से फैला दीजिए। इस पे भी हम इसी कटोरी में पानी भर करके, ये पानी चेंज कर दें, वो पानी नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी गर्म था। तो ये देखिए इस तरह से बन गया है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, आप लोग एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये है थर्ड राउंड, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये पिज्जा आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग भी इसे मेरे आइडिया से ट्राई जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट, थैंक यू।